नमस्कार। आज हमारा पीडी टीम तीसरा नंबरदार और इसमें पदुम का भी रिप्रेजेंटेटिव सब मिल के हमारा ये जो मारतंग एक जगह का नाम है जहाँ पे हमारा जमाने से परदादों से हमारा यहाँ पे चरागा के नाम से हम लोग भेड़ बकरी गाय वगैरह यहाँ पे चढ़ाते थे, आज भी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारा घास चराई है और गवर्नमेंट के रिन्यू रिकॉर्ड में भी इसको पर जमाने से सदियों से जो रिन्यू रिकॉर्ड में दिखाता है यहाँ पे चरागाह है, यहाँ पे बैल बकरी यहाँ पे चढ़ाते हैं। मगर इस टाइम सरकार ने इसको अलॉटमेंट दे के जैसी कारगिल ने इनको सब कारगिल ने अलॉटमेंट दे के पूरा जगह को खत्म कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाते बनाते। तो हम लोगों का ये गवर्नेंस है कि हमारा कंप्लेन ये है कि हम सब मिल के इस जगह को हम बचाना चाहते हैं ताकि हमारा बैल बकरी गाय वगैरह हम हमेशा की तरह पहले की तरह चढ़ाते रहेंगे और चढ़ाते चढ़ाने के लिए अब जगह ही खत्म कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट वहाँ से अंधाधुंध अलॉटमेंट देते जा रहे हैं, वहाँ से खरपेशी लोगों को जमीन देते इंतकाल करते जमीन भी खत्म कर दिया। इसलिए हम लोगों ने आज चर्चा जुलूस के पूरा पब्लिक यहाँ पे एजेंट के पास हम अपना कंप्लेन लेके जुलूस चर्चा जुलूस लेके हम आए हैं और एनडीए के लिए भी हमेशा ये हमारा जब तक इस जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल नहीं हो जाता है मारता एरिया में तो तब तक ये जलसा जुलूस चलते रहे लगाते रहेंगे, हमारा जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा। अपने गवर्नमेंट को भी समझ में आना चाहिए, एक तो नौकरी देने के लिए गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है, एक तो हमारा देखो जमींदार जो है बैल बकरी की और गाय के ऊपर जीते हैं, हम लोग दूध दही बेच के हम लोग अपना बच्चों का पढ़ाई वगैरह यहीं से करते हैं, तो आज गवर्नमेंट वो जमीन को खत्म कर रहे हैं तो जमींदारी कहाँ से करेंगे। इस जन सरकार को हम समझा के 3 साल पिछले जब से यूटी बना तब से हम इस जन को हम समझा रहे हैं, ये माने नहीं रहा है, ये बोलता है कि हमको टेसी का ऑर्डर है फिर कौन सा का ऑर्डर है, तो हमें जरूरत क्या है, जब इस जन का कोई जरूरत ही नहीं है सरकार में, जो भी काम होता है बोलता है टेसी के पास जाओ, जो भी ये होता है हिंद कौंसल के पास जाओ, तो इस जन को यहाँ रख के आप लोगों ने क्या करते हुजूर में तनख्वाह दे के और कहीं काम पे लगाओ आप लोग। तो इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है जैसी साथ कि आप जल्द से जल्द इस अलॉटमेंट को कैंसिल कीजिए या तो हमारा बैल बकरी वगैरह जो आपका जो वेटरनरी डिपार्टमेंट रखा है यहाँ पे शिप डिपार्टमेंट रखा है यहाँ पे उस चीजों को आप लोग टोटली गवर्नमेंट के खाते से ये शिप और वेटरनरी डिपार्टमेंट को ही खत्म करो, हमें भी खत्म करो, हम जियेंगे कैसे। एक तो आप लोगों ने राशन बंद कर दिया, अब बेचारा जमींदार कैसे जियेंगे। हाँ तो चप्पू साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी आप बोल रही है आप लोगों का उसकी पीपटी और किसरा का चराका है, तो इस चराका का आपके पास क्या कागज है और इसका किस तौर पर इतिहास आपके पास है। इसका चराके गंदे पंजाब से जानकी में जाप से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से सदियों से उसमें बाजबता ये एरिया का नाम है मारतांग में, उसमें बाजबता रिनो रिकॉर्ड में माफिस खाना सामने निकाल के लाया उसमें बाजबता लिखा है परदादे से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ जब से जानकी में रिनो रिकॉर्ड बना तब से ये लिखा उसमें बाजबता लिखा है मारतांग में पदुम शिशिरा का बैल बकरिया वहाँ पे चराया करेंगे और वो किसी को इंतकाल करके देने का वो जमीन है नहीं, जिन्होंने पैसा खा के जमीन इंतकाल करके खत्म कर दिया, तो जस्टिस तो होना चाहिए। वहाँ पे ना पानी नहीं है, सिर्फ बड़ा बारिश से वहाँ पे गुजरा होता है, तो इन्होंने जमीन में खत्म कर दिया,
इन्होंने अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट देते क्या? ठीक है, हमने गवर्नमेंट के लिए जगह चॉइस करके चूज करके दिया है, आज उस वहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे बीआरओ का भी ऑफिस है, वहाँ पे आर्मी का भी है, वहाँ पर भी अभी भी बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, वहाँ पे बनाओ, जो हमने पब्लिक ने जो दिया है उस जगह पे बनाओ, हर जगह में आप लोगों को क्या है, आप लोगों ने जमीन में बेच दिया, एक एक चूल्हे को साव साव कनाल आप लोगों ने इंतकाल करके दिया, जबकि वहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, उधर कुमी वाले पासे हैं, वहाँ पे कुमी वाले पासे, कुमी वाले इसलिए पासे हैं कि वहाँ पर कुमी जो पुराना कुमी के वहाँ पे पानी नहीं आते थे, वहाँ पे डीसी साहब ने उस जमाने में डीसी साहब ने उनको अलॉटमेंट दिया, 1000 कनाल दिया, जिन्ना भी दिया, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है वहाँ पे। अब जो उनको कुमी वालों को दे के बाहर जहाँ पे पानी भी नहीं है, नाली भी नहीं है, वहाँ पे इंतकाल करते लोग मकान पे बागान बनाते, वो सब कैंसिल होना चाहिए, वो सब कैंसिल होना चाहिए। हम जेसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस मसले को हल कीजिए और जल्द से जल्द इस डैम को यहाँ से ट्रांसफर करके ले जाए, ये किसी काम का नहीं है, हमारे पब्लिक का तो सुनता ही नहीं है। अब टेनवर में हो गया, ये 3 साल हो गया, 3-4 साल होने जा रहे हैं, तो हमारे जबरदस्ती यूटी बनने के, पहले हमारे यहाँ पे इजम आया करते थे आए साहब से, अब यूटी बनने के बाद एक तहसीलदार को इजम बना के रखा है, अब उसको डबल पावर मिल गया, एक तो जमीन को जमीन का इंतकाल भी करना है, यहाँ से इजम का पावर भी दिखाना है, यूटी बनने के बाद हम तो गड़ा गड़ा कर दिया आप लोगों ने, एक तो आप लोगों ने राशन बंद कर दिया, दूसरा हमारा चरागाह खत्म कर दिया आप लोगों ने, तीसरा आपके पास नौकरी देने के लिए कोई भरोसा ही नहीं है, फिर हम जमींदार गाय और बैल बकरी के बगैर कैसे जिएंगे? तो हम गवर्नमेंट से हमें इज्जम जास्कर और जैसी कारगिल से हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द इस मसले को हल कीजिए और एलजी साहब इसमें इंटरफेयर करें कि इसको हल करें, इज्जम के पीछे हम पिछले 2 साल पड़े हैं कि इस इज्जम साहब को ले जाओ, आपको और कहीं जरूरत होगा जबरदस्ती हमें थोपा की मदद, यही हमने आपके कहना है, गवर्नमेंट तक पहुँचाना है। थैंक यू वेरी मच। तो क्या साहब इसी चराके के लिए आपके गाँव वालों ने एक कमेटी भी बिठाया था, तो उस दौरान आपको कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला? देखो उसमें देखो गवर्नमेंट का बिल्कुल समर्थन जब तक ये हिंद कौंसल है, अब एक देखो लद्दाख पूरा एलएचडीसी ले, एलएचडीसी कारगिल, एलएचडीसी ले का तो मुझे पता नहीं है, कारगिल का तो बेड़ा खड़ा है, हर एक कौंसल जीत चुका अपने 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 रिश्तेदारों के लिए जीते, ये लोग पब्लिक के लिए कहाँ सोचते, सोचता ही नहीं ये लोग पब्लिक के लिए, आज पब्लिक इधर पहुंचा है किसकी वजह से, हिंद कौंसल के गलत नीति की वजह से पब्लिक यहाँ पे पहुंचा है, और हिंद कौंसल इसमें इंटरफेयर करके अच्छी तरीके से ख्याल करता, हम लोग यहाँ थोड़ा पहुंचते, कौंसल में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो कौंसल हिंद कौंसल के जमीन तो हिंद कौंसल के पास है, अलॉटमेंट हिंद कौंसल ने दिया, हिंद कौंसल ने जानबूझ के कुश्ती पीवी सिंह और खिचरा पदू वालों को सताने के लिए जानबूझ के अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट देते जा रहा है, हमें अलॉटमेंट देने की जगह देखो ये सब खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे बनाओ, वहाँ पे बनाओ आप लोग जितना मन है बनाओ, हर जगह में क्या है, हर जगह में, तो हमें ये कहना ये तो चलो डीसी साहब का ऑर्डर है बोलता है, ये तो जहाँ जहाँ आप लोगों ने इंतकाल किया वो किस साहब का ऑर्डर है, आपको 100 कनाल 10 कनाल 20 कनाल एक एक एनी को दे रखा है, वो आपको किसने ऑर्डर दिया, तो इस तरह करप्शन यहाँ पूरी तरह है, इसलिए इस डैम साहब को यहाँ से उठाए, एलजी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है मेहरबानी करके जल्द से जल्द इसको हटाए और हमारा जमीन हमें वापस कीजिए, थैंक यू वेरी मच। ডিপার্টমেন্ট জিতিলা সেই বেড়ি সিং না জিত যেতে গভর্নমেন্ট শুনো মাতাম গভর্নমেন্ট।
आतंकी पाकिस्तान में रिनो रिकॉर्ड ना योजन मार्ताला पदुम शिला उत्ति दिविंग कुमिक तोले कुमिक थामे रेलो पलाम सोचानो त्रिस है क्या पसंद है इस दम इंतकाल चलते तारे में क्या थामे करगिल रुस्ताले हमारे तंकन त्रिन फदुम पाने तेम मारता थोरेन पलास फदुम पाना जाने कुछ जोन के मान निजा मार्ताला पलाम जाते जगा मिसो